आओ शंकर भगवान के भक्त है भाई ये, चलो आओ। सो अब हम बात करते हैं, इधर आइए, अब हम आप मत लिखिएगा, एक साथ लिखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, लिखिएगा मत अभी, फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। सुनना, बस सुनते रहना आप, ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, 7 से 8 क्वेश्चन इसी बोर्ड में बता दूंगा भाई जो एग्जाम में आए हैं। सबसे पहले हम बैरोमीटर पे बात करेंगे, एग्जाम में आया हुआ है कि बैरोमीटर जो है उससे क्या मेजर किया जाता है, तो क्या मेजर किया जाता है जी बैरोमीटर से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आ चुका है, बैरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें एक फ्लूइड यूज किया जाता है, फ्लूइड का नाम क्या है जी? मरकरी। इन्वर्टेड टाइप का रहता है, कभी आप बैरोमीटर का पिक्चर नेट पे देखिए, इन्वर्टेड फॉर्म में ऐसा ट्यूब्स रहता है, उसके अंदर बैरोमीटर भरा रहता है। सो इसमें क्या भरा रहता है जी? मरकरी। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि बैरोमीटर में कौन से फ्लूइड का यूज होता है, तो आप क्या बोलोगे? मरकरी। क्यों यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? मरकरी का क्या रहता है जी? लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर होने के कारण इस मरकरी का, उसकी डेंसिटी क्या होती है जी? डेंसिटी हाई होती है, पानी के कंपैरिजन में 13 टाइम ज्यादा होती है ना, 13600, 1360 कहाँ 1000, 13600 भाई, वही तो बोलूं 1360 कैसे 13 टाइम्स हो गया बोल रहा था है ना यार, हाई एग्जाम में आया हुआ है क्या? बैरोमीटर में जो मरकरी यूज होता है वो क्यों यूज होता है, तो आप क्या बोलोगे जी? लो वेपर प्रेशर है, लो वेपर प्रेशर है और हाई डेंसिटी है, ध्यान देना। अगला चीज ध्यान देना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर सुनो बैरोमीटर, सुनो जी बैरोमीटर का अगर रीडिंग अचानक से सडनली अगर फॉल हो जाए, सडनली फॉल हो जाए मतलब बैरोमीटर ऊपर चढ़ते जा रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है यार, नीचे गिर जाए मतलब प्रेशर क्या हो जाए? कम। एग्जाम में आया हुआ है क्या कि बैरोमीटर का रीडिंग जो है, बैरोमीटर का अगर रीडिंग जो है सडनली क्या हो जाए जी? सडनली डिक्रीज हो जाए, मतलब फॉल देखने को मिले बैरोमीटर में, सडनली फॉल हो जाए तो क्या होगा वहां पर उस एरिया में क्या आएगा? तूफान या फिर क्या? आंधी क्या आने वाला है वहां पर? तूफान, स्टॉर्म आने वाला है, आंधी आने वाला है। सुनो भाई बैरोमीटर जो है वो प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यार। अब यहाँ पर अचानक से गिर जाएगा यार रीडिंग, यानी कि यहाँ का प्रेशर सडनली क्या हो गया? डाउन। जैसे यहाँ पर प्रेशर डाउन हो जाएगा तो बाहर के वहां से उधर से सब क्या करेंगे? एयर आने लगेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की आएगा ना, तो तूफान तो ऐसी जो देखते हैं सैटेलाइट में वो कैसे देखते हैं? यही सब तो देखते हैं, कहाँ लो प्रेशर रीजन है, कहाँ पर हाई प्रेशर रीजन है, तो यार किधर से किधर फ्लो होगा, यही सब तो देख के बस सैटेलाइट से बताते हैं क्या यार, जो प्रिडिक्शन करते हैं, है ना यार। एग्जाम में पूछेगा कि बैरोमीटर का रीडिंग अगर सडनली फॉल हो रहा है मतलब उस प्लेस में क्या आने वाला है? तूफान पिक्चर देखे कि नहीं यार, अमिताभ बच्चन का वही वाला स्टॉर्म है ना, आने वाला एग्जाम में आया हुआ है, जेई वाले एग्जाम में आया, दूसरे स्टेट्स के, ध्यान देना। इतनी बात समझ में आई जी? एग्जाम में बैरोमीटर क्यों यूज किया जाता है जी? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है जी, और मरकरी यूज किया जाता है, इसमें इन्वर्टेड फॉर्म में रहता है, इन्वर्टेड ट्यूब्स में रहता है, कभी आप पिक्चर देखें नेट पे, इन्वर्टेड ट्यूब्स में देखा जाता है, इन्वर्टेड ट्यूब में रहता है मरकरी का भी, पिक्चर देख लेना यार बैरोमीटर ये सब का पिक्चर देख लिया करो। क्यों यूज होता है एग्जाम में आया हुआ है? तो लो प्रेशर के कारण बैरोमीटर का रीडिंग अगर सडनली फॉल हो रहा है, दैट मीन्स उस प्लेस पे वहाँ का प्रेशर ऑब्वियसली बात है कम हो गया है, तभी रीडिंग नीचे गिर गया और वहाँ का प्रेशर कम हो गया, दैट मीन्स सराउंडिंग जितना ज़्यादा प्रेशर है उसको फील करने के लिए तेजी से आएगा, और तेजी से आएगा तो टकराएगा, तो तूफान आएगा, चारों तरफ से टकराएगा, तो यार समझ गए? ठीक है, अब इधर आइए, अब हम बात करते हैं जी मैनोमीटर पे, सबसे इंपॉर्टेंट मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? एग्जाम में यही पूछ लिया था भाई कि तो मैनोमीटर क्या है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। क्या कौन सा प्रेशर मेजर करता है? तो ऑलवेज गेज प्रेशर मेजर करता है। ये दो चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैनोमीटर क्या है, बस ये आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, और क्या बोलते हैं कौन सा प्रेशर मेजर करता है? गेज प्रेशर मेजर करता है। कोई भी प्रेशर मेजर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में गेज ही होगा, मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है? कुछ कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं है या कोई साइंस नहीं है इस मैनोमीटर में प्रेशर को मेजर करने के लिए, बस एक ट्यूब्स है, उस ट्यूब्स के अरेंजमेंट से ही प्रेशर मेजर कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है जी? अब जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेज है उसमें तो बहुत सारा लॉ काम करता है, मैनोमीटर में कोई लॉ काम नहीं करता, पानी आएगा ऊपर चढ़ जाएगा, कितना चढ़ा उसी को मेजर कर लेंगे और उस पॉइंट का प्रेशर बता देंगे, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं, ध्यान देना, धीरे धीरे समझाता हूँ। सो दो क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया क्या जो एग्जाम में आया कि मैनोमीटर
प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कौन सा है, तो मैनोमीटर है। मैनोमीटर कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर मेजर करता है, गेज प्रेशर। सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इधर आइए। तो मैनोमीटर के दो टाइप है भाई साहब, एक है सिंपल मैनोमीटर, एग्जाम में आए हुए सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा है जी है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर सुनते रहना बस आप, इसमें सब क्लासिफिकेशन, उसके पहले ध्यान देना कि सिंपल मैनोमीटर क्या होता है। सिंपल मैनोमीटर दैट मींस किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है। फ्लूइड प्रेशर मेजर करेंगे, फ्लूइड प्रेशर एट वन पॉइंट। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब कि जैसे ये पाइप है भाई, ये इसी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना, तो यहाँ पर एक मैं डिवाइस लगाऊंगा इसको मैनोमीटर। अभी इसमें बताऊंगा ये कैसे घूमेगा, कैसे टेढ़ा रहेगा, कैसे ऊपर रहेगा, सब मैं बताऊंगा। बस आप ये समझिए किसी एक पॉइंट पे, ये पाइप है, किसी एक पॉइंट पे अगर प्रेशर मेजर करना है तो आप क्या यूज करोगे जी, सिंपल मैनोमीटर। अब दो पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है, तो दो पॉइंट कहने का मतलब एक ही पाइप के दो पॉइंट भी हो सकते हैं, या दो अलग अलग पाइप में दो अलग अलग प्रेशर मेजर करना हो सकता है, समझ रहे हैं यार। सो दो पॉइंट का प्रेशर अगर मेजर करना हो तो मैनोमीटर में कौन से मैनोमीटर का यूज करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर का, समझ रहे हो। सो एक ही पाइप में दो अलग अलग पॉइंट का प्रेशर भी हो सकता है, या दो अलग अलग पाइप में दो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं यार। सो प्रेशर डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब जनरली क्या करते हैं, दो पॉइंट पे क्या करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं, या फिर प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस कितना है। सुन रहा भाई, दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए किसका यूज करोगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर का। एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करने के लिए किसका यूज करोगे, सिंपल मैनोमीटर का। ठीक है सर, इतने बात समझ में आई, आई कि नहीं इतनी बात समझ में भाव्य। यस सर। देखो यार मैं भी चाय पीने गया था यार, लेकिन चाय वो बनाया नहीं था तो मैं ऐसे ही आ गया, समझ रहे हो यार। तो तुम भी ऐसे आए हो, तब ठीक है, इधर आओ, इधर आओ यार। सिंपल मैनोमीटर में एग्जाम में पूछता है कि उसके टाइप बताओ, तो एक है पीजोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब यार, यूट्यूब मैनोमीटर, बस यहाँ पर तो यही है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब सुनो डिफरेंशियल में भी दो है, टू पीजोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, सब बता रहा हूँ तो सुनते रहना अभी, तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, और आपका माइक्रो मैनोमीटर, माइक्रो, हाँ माइक्रो मैनोमीटर, सुनते रहना अभी तुम, इधर ध्यान दो इधर, माइक्रो मैनोमीटर, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, एक और होता है सिंगल, सुनना, सिंगल वर्टिकल या फिर इंक्लाइन, दोनों की कहानी है मैं बताऊंगा, एग्जाम में आता है सिंगल वर्टिकल और इंक्लाइन मैनोमीटर। बस आप तो चुपचाप देखते रहिए इधर, ठीक है जी। फिर से मैं बता देता हूँ भाई, मैनोमीटर जो है वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, गेज प्रेशर मेजर करेगा, दो टाइप का होगा, एक सिंपल और एक डिफरेंशियल। सिंपल दैट मींस एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करेगा, चाहे वो पाइप का हो चाहे कंटेनर का हो, कहीं का एक पॉइंट का मेजर करेगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर में ऐसे टाइप के वाले डिवाइस को बोलेंगे जो दो पॉइंट का प्रेशर मेजर करेगा, या फिर दोनों पॉइंट का डिफरेंस बताएगा। यहाँ पर 10 है, वहाँ पर 5 है, तो दोनों का डिफरेंस बताएगा कि 5 डिफरेंस आ रहा है यार, P1 - P2 यार, या फिर दोनों एक का दिया वही है इक्वेशन, वही ऐसे ही बनेगा, डिफरेंस वाला इक्वेशन बनता है, दो पॉइंट का डिफरेंस यार। तो उसमें एग्जाम में पूछेगा कि पीजोमीटर कौन से टाइप का है, तो आप क्या बताओगे, सिंपल मैनोमीटर। एग्जाम में पूछेगा माइक्रो मैनोमीटर कौन से टाइप का है, तो आप क्या बताओगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर, समझ रहे हैं यार, ये बताओगे। इसमें और कहानी बची है, मैं बता रहा हूँ ध्यान देना। इसके बाद आपका गेज भी होता है, गेज वाला इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम उसको बोले मैकेनिकल डिवाइस, अगर हम बात करें मैकेनिकल डिवाइस, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है मैकेनिकल डिवाइस के नाम, तो वो भी पता होना चाहिए। दो बी रहेगा और दो डी रहेगा यार, दो बी दो डी, क्या बोल रहे हो सर, बी से आएगा जी बिलो ट्यूब, एग्जाम में पूछेगा बिलो ट्यूब कौन सा प्रेशर मेजर करता है, तो आप क्या बोलोगे, गेज प्रेशर, क्या बोलोगे जी, गेज, बिलो और बॉर्डन ट्यूब, बॉर्डन ट्यूब, बॉर्डन ट्यूब, बिलो ट्यूब और बॉर्डन ट्यूब, और अब डी से आएगा डेड वेट,
ये सब की कहानी है, सबका प्रिंसिपल है कि कैसे मेजर करता है, क्या करता है, फ्लूड जब आएगा तो उसमें क्या चेंजेस आएगा जिससे वो फ्लूड का रीडिंग शो करेगा, वो हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको नाम पढ़ना है। और एक आपके पास है डायफ्राम, डायफ्राम ये याद रखना पड़ेगा आपको कि डेड 2B और 2D एग्जाम में पूछ लेगा कि डेड वेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है और गेज प्रेशर मेजर करता है। सुन रहे हो शर्मा जी, सुन रहे हो कि नहीं यार, सुन रहे हो, जरा अब वापस फिर से आओ। मैनोमीटर तो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैनोमीटर में सिंपल, इधर आओ, सिंपल मैनोमीटर मतलब एक पॉइंट का मेजर करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, पीजोमीटर। उसमें पीजोमीटर की कहानी समझो, पीजोमीटर की कहानी समझते हैं, इधर आइए, अलग से कहानी समझाओ, कहानी को अलग से समझाओ कि यही समझाओ, यही समझा दूं, आओ पीजोमीटर को समझो, इधर आओ, इधर देखो। पीजोमीटर क्या है, ध्यान देना, ये पाइप है जी, इस पाइप में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा मान के चलो, लिक्विड, गैस नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजोमीटर जो है वो कंप्रेसिबल, कहने का मतलब गैस का प्रेशर मेजर नहीं करता है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, गैस का प्रेशर जो है वो मेजर नहीं करता है, एग्जाम में आया हुआ है। पीजोमीटर गैस का प्रेशर मेजर नहीं करता, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ध्यान देना। दूसरा चीज, ये फ्री टू, क्यों मैं बताता हूँ अभी, फ्री टू एटमॉस्फेयर रहता है, यही कारण है इसका, मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान देना, फ्री टू एटमॉस्फेयर है। तीसरा चीज, लो टू मॉडरेट प्रेशर मेजर करता है, हाई प्रेशर मेजर नहीं करता, लो टू मॉडरेट, जनरली ये पॉजिटिव प्रेशर मेजर करता है। पॉजिटिव कहने का मतलब यार, पॉजिटिव प्रेशर मतलब हाँ, पॉजिटिव प्रेशर दैट मींस उससे ऊपर, अरे भाई एटमॉस्फेयर से ऊपर, ये तो साइन कन्वेंशन था, ऐसा थोड़ी है कुछ कि डाउनवर्ड पॉजिटिव, अरे भाई पॉजिटिव प्रेशर दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर, यही तो बताया था गेज प्रेशर में, यही बताया था ना कि गेज प्रेशर भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो बोलते हैं, और उसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आओगे तो क्या, नेगेटिव प्रेशर। सुन रहे हो जी, सुनो मेरे बात, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आए हुए। पीजोमीटर से गैस का प्रेशर मेजर नहीं किया था, अभी उस पर चर्चा करूंगा, ये ऑलवेज कैसा है, फ्री टू एटमॉस्फेयर, उसमें मैं अच्छे से बात करता हूँ। लो टू मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर मेजर नहीं करते पीजोमीटर से, समझ रहे हो जी, हाई नहीं करते, हाई क्यों नहीं करते इस पर भी चर्चा करता हूँ। और पॉजिटिव प्रेशर किया जाता है, निगेटिव भी किया जाता है, लेकिन निगेटिव करने के लिए बहुत ताम झाम है, तो निगेटिव को एलिमिनेट कर दिया जाता है। निगेटिव भी कैसे किया जाता है उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन निगेटिव जनरली हम यूज नहीं करते, उसको एलिमिनेट करते हैं, निगेटिव नहीं करते। सो जनरली इस पर क्या मेजर करते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव भी कर सकते हैं, एक एक करके सब पे क्लैरिफिकेशन देता हूं, आइए ध्यान देना। सो ये पाइप है जी, इसमें पानी जा रहा, लिक्विड जा रहा, जो भी जा रहा है, ध्यान देना। अब किसी एक पॉइंट में मुझे यहां पर प्रेशर चाहिए कि वो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उस पाइप में उसका कितना प्रेशर है, तो इसमें करना क्या, ध्यान देना, पीजोमीटर लगा रहे, दैट मींस पीजोमीटर है क्या, एक ग्लास का ट्यूब है, कैसा है जी, ग्लास का ट्यूब है जिसमें मार्किंग बना हुआ है हाइट का, सेंटीमीटर में, एमएम में, मीटर में तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली बात है, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर एमएम में बना है, मान के चलो किसमें बना है, मार्किंग एमएम में बना है, इधर ध्यान देना। तो या फिर वो इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन होगा ऐसा, या फिर सिंपल ऐसा, तो मैं मान लेता हूँ ऐसा कंस्ट्रक्शन है उसका, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री टू एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ध्यान देना, फ्री टू एटमॉस्फेयर है, दैट मीन इसमें कोई दूसरा फ्लूड भरा हुआ है क्या, नहीं भरा हुआ है, वो जो दूसरा फ्लूड भरा हुआ होता है मैनोमीटर में, कॉल्ड मैनोमेट्रिक फ्लूड, वो कैसा होना चाहिए, वो भी एग्जाम में आता है, उस पर तो मैं चर्चा करूंगा बाद में, जब इसके नीचे आऊंगा तो यूट्यूब मैनोमीटर में आऊंगा तो चर्चा करूंगा, अभी मैं पीजोमीटर में हूँ। तो पीजोमीटर ऑलवेज कैसा रहता है, फ्री टू एटमॉस्फेयर, सुन रहे हो जी, एक ग्लास का ट्यूब है जिसमें मार्किंग बना हुआ हाइट का, एमएम में, 1 mm, 2 mm, 3 mm, ऐसे करके मार्किंग बना हुआ है, फ्री टू एटमॉस्फेयर है। तो इसे कैसे प्रेशर मेजर कर लेंगे इस पॉइंट का, इसका नाम दे दिया हमें शर्मा पॉइंट, S। ये पाइप में कोई एक पॉइंट दे दिया S, S फॉर शर्मा पॉइंट। इस S पॉइंट पे क्या मेजर करना है, प्रेशर मेजर करना है। तो यहाँ पर आपने एक पीजोमीटर लगाया, एक ग्लास का ट्यूब लगा दिया जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब होगा क्या, ध्यान देना, कैसे मेजर करेंगे, अब पानी यहाँ पर आएगा, अब पानी को जहाँ जगह मिलेगा तो ऊपर चढ़ने लगता है यार, ये ऊपर चढ़ जाएगा, अब सो मत यार तुम, अरे यार तुम सो मत, तुम, मैं खुद रात में 2 बजे तक जागा था यार, लेकिन उठ के आ गया हूँ ना, अब एक्चुअली क्या है, मैं तो बोलते रहा वैसे मुझे नींद नहीं आता, आप लोग थोड़ा बैठे रहते हो, तो तुम ऐसा करो चाय ले आओ कल से यार, सबको पिलाओ, ठीक है इधर आओ, सुनो भाई साहब, ये पानी जब आएगा तो ऊपर चढ़ेगा, सर इधर नहीं जाएगा, अरे जाएगा ना भाई इधर भी, क्यों नहीं जाएगा, इधर पूरा ऊपर थोड़ा चढ़ जाएगा, ध्यान देना। सो ये ऊपर चढ़ेगा, तो जितने हाइट तक चढ़ेगा, मान के चलो 10 mm तक चढ़ा यार,
इस पॉइंट पे। सो ये जो फ्लूइड है इसको अब तुम जानते हो कि मंगल ग्रह से आ रहा हो, दूसरा फ्लूइड कि जानते हो उसको, जानते हो ना यार, अब पृथ्वी में हो ना तो जी भी तुमको मालूम है, सो रो भी मालूम है, जी भी मालूम है। और इस पॉइंट का अगर प्रेशर निकाला, वी नो दैट फॉर्मूला फ्रॉम हाइड्रोस्टेटिक लॉ, पी इज इक्वल्स टू रो जी एच, सो रो तुमको मालूम ही था, जी तुमको मालूम ही है, एच तुमको पीजोमीटर ने दे दिया, सो उस पॉइंट में क्या प्रेशर है वो पता चल जाएगा। सुन रहे हो जी? सो इस तरीके से मेजर करता है। तो फ्री टू एटमॉस्फेयर आपको पता चल गया। सर गैस का कैसे मेजर नहीं करता? अब मेरे भाई गैस जब यहां पर आएगा, नाइट्रोजन जब यहां पर आएगा तो नाइट्रोजन रुकेगा क्या? वो तो चल जाएगा, ढूंढते नहीं मिलेगा तुमको, ढूंढते रह जाओगे, गैस तो बाहर चला जाएगा। और आपको कोई फ्री सरफेस भी नहीं मिलेगा, उसके अंदर तो एयर पहले से ही है, वो मिक्सअप हो जाएगा, कोई फ्री सरफेस मिल पाएगा जहां तुम मार्किंग देखोगे? पानी में तुम एक मार्किंग देख लोगे, अरे देख पाओगे ना पानी कहां तक चढ़ा है? सिंपनी कूलर में आता है ना यार, मैक्सिमम मिनिमम लो उसमें देख लेते हो ना कि पानी दिखता है ना कितना ऊपर तक चढ़ा है। हाँ, तो गैस का मेजर नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? फ्री टू एटमॉस्फेयर है, कोई इंटरफेस दिखेगा ही नहीं, कोई लेवल दिखेगा ही नहीं, मिक्सअप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यही आपसे पूछ लेता है, पूछ के कुछ गलत करता है क्या? कुछ नहीं गलत करता, पूछ लेता है, पता होना चाहिए पीजोमीटर के बारे में। तो गैस का मेजर नहीं करता, समझ में आया क्यों नहीं करता? फ्री टू एटमॉस्फेयर है, मिक्सअप हो जाएगा, कोई लेयर नहीं बनेगा, इंटरफेस कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, इधर आइए। लो टू मॉडरेट, अब ध्यान देना, बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तो इसको ट्यूब को कितना ही बड़ा बना लोगे यार? हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ट्यूब बनाओगे क्या? उसको अगर मेजर करने के लिए सीढ़ी चढ़ के फिर तुम उसमें हाइट देख रहे हो कि यहां तक आया, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो एक उसका एक लिमिटेशन है कि इतना ही ट्यूब, इतना मीटर का ट्यूब, या फिर एक मीटर भी बहुत बड़ा, फिजिबल नहीं है ना। सो पीजोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? ऐसे पाइप जहां पर प्रेशर जो है वो बहुत कम है या फिर मॉडरेट तक है, ज्यादा नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है? बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ट्यूब्स का, उसको कोई मतलब नहीं। अब ऐसे भी मैनोमीटर इंडस्ट्री में अब यूज नहीं होता, सारी जगह कौन ले लिए भाई? डिवाइस लोग ले लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस लोग ले लिए हैं, अब ये सब तो पुराना है। ट्यूब्स की कहां कहानी यार, इसके जैसे भव्य जैसे लोग रहेंगे तो दो चार ट्यूब तो ऐसे ही तोड़ देंगे। इकरान जैसे लोग दिमाग खराब हुआ, दो चार ट्यूब ही तोड़ दिए, समझे यार? तो ट्यूब वाला चक्कर ही नहीं है। सुनो यार, लो टू मॉडरेट भी बता दिया जी, फ्री टू एटमॉस्फेयर है तो समझ गए हाई प्रेशर नहीं हो सकता। पॉजिटिव प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव प्रेशर दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है, जो पाइप में पानी आ रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, सो पॉजिटिव प्रेशर मेजर किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर की कहानी क्या है ध्यान देना, अगर नेगेटिव प्रेशर मेजर करना है तो कैसे किया जाता है ध्यान देना, इसमें क्या क्या किया जाता है? ऐसे अरेंजमेंट दे दिया जाता है, ऐसे कंटेनर बनाएंगे, ये पानी यहां से जाएगा और इस कंटेनर में गिरेगा, सुनना, इस कंटेनर में गिर जाएगा पानी। अब कंटेनर में गिरने के बाद जितना चढ़ेगा ये हाइट मेजर किया जाएगा यहां से, और वो रो जी एच करके निकाला जाएगा। सुन रहे हो भाई? हाँ, ये निगेटिव प्रेशर है। तो अब पानी जो है यहाँ आने के बाद इसके अंदर कंटेनर के अंदर आया, कंटेनर के बाद जितना इसमें चढ़ेगा वो हाइट मेजर किया जाता है निगेटिव। तो जनरली अवॉइड किया जाता है कि पीजोमीटर से हम निगेटिव प्रेशर मेजर करें, ये सब कौन करेगा तामझाम यार, समझ रहे हो? ऐसा आप याद रखो मैं बोल रहा हूँ। तो पीजोमीटर क्या चीज़ है जी? एक सिंपल मैनोमीटर है, एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करता है, फ्री टू एटमॉस्फेयर है, गैस का प्रेशर मेजर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का करता है, लो टू मॉडरेट करता है और पॉजिटिव प्रेशर मेजर करता है। निगेटिव कर नहीं सकता, ये बात नहीं है, कर सकता है लेकिन करते नहीं है जनरली। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? अभी भी आई कि नहीं आया? एक एक चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ मेरे भाई, ठीक है जी? अब आइए आगे बात करते हैं। तो पीजोमीटर की कहानी आपको समझ में आ गई। सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या है? सुनो, अरे यार सुनो ना भाई, सुनते नहीं हो यार तुम्हें। सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या चीज समझिए, ये पाइप है जी जिसके अंदर पानी जा रहा है। अब जो आपके पास सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर है या फिर और दूसरे भी मैनोमीटर है वो दोनों के लिए है जी, लिक्विड और गैस दोनों के लिए। सुन रहे हो जी? लिक्विड एंड गैस दोनों के लिए, और पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव ऐसा कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए।
आपको बोलेगा सिंपली कि यूट्यूब मैनोमीटर जो है उससे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों करते हो, तो आप बोलना हाँ, क्या बोलोगे, हाँ बोल देना, ठीक है। और लिक्विड और गैस दोनों के लिए करते हैं इधर, बाकी जो और है। अब सिंगल कॉलम मैनोमीटर समझिए, यूट्यूब मैनोमीटर समझिए, इधर देखिए पानी है, अभी भी यहाँ पर कोई पानी जा रहा है, अब तो कोई मतलब नहीं, चाहे कंप्रेसिबल फ्लूड हो, चाहे इनकम्प्रेसिबल हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मान लेते हैं लिक्विड ही है, मान लेते हैं पानी है। सुनो जी, सुन रहे हो कि नहीं यार? हाँ, एक भी चीज़ अगर, एक भी चीज़ फालतू बेकार का नहीं बताता यार, ध्यान देना, सब एग्जाम में आया बताता हूँ, इधर ध्यान। यहाँ पर अब आप एक ट्यूब लगा रहे हो जी, यहाँ का प्रेशर मेजर करना है, सुनना, सुनते रहना। यहाँ वॉल्व लगाया जी, वॉल्व, और क्या बोलते हैं, अनमोल को नींद आ रहा है, मैं बोला भाई जाओ यार वॉल्व वॉल खोलना, अभी वॉल्व बंद है। अब जब सुनो वॉल्व बंद है तो इसमें क्या होगा, अलग क्या चीज़ है ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर, अलग क्या चीज़ होगा पीजोमीटर से, ध्यान देना। पीजोमीटर फ्लूइड टू एटमॉस्फेयर था भाई, यहाँ पर एक फ्लूइड पहले से रहेगा, अभी पानी इसमें आया नहीं है, ब्लॉक है, ये वॉल्व लगा हुआ है भाई, ठीक है। अब सुनो, पानी अभी अंदर आया नहीं है, इसके अंदर जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है इसमें एक फ्लूइड इमर्ज्ड है, पहले से भरा हुआ है। अब देखो फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे टाइप का कॉलम है तो दोनों में क्या लेवल सेम रहेगा, इट्स कॉल्ड मैनोमेट्रिक फ्लूइड। हाँ बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, यही एग्जाम में आता है कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड। भैया कौन सा लोगे यार, तुम्हारे घर के पीछे का पानी थोड़ी ले लोगे यार, ये समझ रहे हो यार, जो फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है यार, कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा होगा, ये भी एग्जाम में पूछता है कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड का चयन आप कैसे करेंगे, किसी को भी डाल थोड़ी देंगे यार, समझ रहे हो यार। अब जैसे कि तुम पानी का प्रेशर मेजर कर रहे हो और उसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड तुम ऑयल डाल दोगे तो मिक्सअप हो जाएगा, कुछ इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो पीजोमीटर से ये जो अलग कैसे हुआ, बस पहले ये समझिए, इसके अंदर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है उस मैनोमीटर में, उसी उस एक फ्लूइड भरा होता है उस मैनोमीटर में, इसलिए उसको क्या बोल देते जी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का चयन कैसे किया जाए, एग्जाम में आता है, तो कैसे, इसका क्या क्या खासियत होना चाहिए जी, डेंसिटी कैसी होनी चाहिए इसकी जी, जो फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है उससे इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए जी। प्रेशर लो, वेपर प्रेशर क्या ना, कैसा होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। सरफेस टेंशन होना चाहिए क्या, कोई सरफेस टेंशन नहीं होना चाहिए, सरफेस टेंशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, मिनिमम सरफेस टेंशन। ऐसा फ्लूइड लो जिसका सरफेस टेंशन क्या हो, मिनिमम। ज़्यादा स्टिकी होना चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो जिस फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर रहे हैं उससे हायर डेंसिटी का हो, लो वेपर प्रेशर का हो और लो सरफेस टेंशन का हो, ये तीन फेमस है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इतनी बात समझ में आई जी। सिर्फ पीजोमीटर से अभी वाला जो मैनोमीटर अलग कैसे है, किस बात से अलग है, बस इसमें एक फ्लूइड पहले से है मैनोमीटर में, वो मैनोमीटर में, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोल रहे हैं। कुछ भी उठा के वहाँ नहीं रखना है, उसका एक सर्टेन कंडीशन है। पानी जनरली का, अगर पानी का प्रेशर मेजर करना रहता है तो उस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जगह जनरली क्या रहता है, मरकरी रहता है, हायर डेंसिटी है। मैं पानी का अगर प्रेशर मेजर करना है तो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड में जनरली क्या यूज किया जाता है, मरकरी। एयर रहता है तो यहां पर क्या लिया जाता है, वाटर। 1000 टाइम ज्यादा है एयर के डेंसिटी से, 1000 टाइम ज्यादा है वाटर का डेंसिटी, 1.25 समथिंग कुछ रहता है डेंसिटी एयर का, और वो 1000, समझ रहे हो कितना ज्यादा है यार, अरे है कि नहीं यार। तो अगर एयर है उसका अगर प्रेशर मेजर करना है तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में पानी रहेगा हायर डेंसिटी, पानी है तो क्या रहेगा, मरकरी। दूसरा भी हो सकता है लेकिन जनरली ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है, ठीक है। अब समझिए बात को, यहाँ पर कहानी क्या होगी, इधर देखिए, इधर देखिए, वॉल बंद है जी, पानी नहीं आ रहा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं मरकरी भरा हुआ है, पानी ही लाना है तो हम इसका कॉम्बिनेशन जो मरकरी है वही ले लेते हैं। अब देखिए कैसे मेजर होगा, इस पॉइंट का प्रेशर कैसे मेजर होगा, ये अनमोल पॉइंट है, ये अनमोल प्रेशर पॉइंट, ध्यान देना ये कैसे मेजर किया जाएगा, इसको समझिए। ये लेवल सेम है जी, अरे कुछ है भाई, यहाँ पर पानी भर, कुछ मरकरी भर दिया तो ये इधर गया बराबर, जब ऐसे होगा बराबर तक रहेगा यार। अब होगा क्या समझिए, लाल कृष्ण वॉल्व खोलो यार, वॉल्व खोलो, अब लाल कृष्ण वॉल्व खोल रहे हैं, वॉल्व जैसे ही खोलेगा तो पानी आने लगेगा जी। अब पानी जैसे ही आएगा तो
जहाँ पर पानी क्या करेगा, टक्कर मारेगा यार। अरे पानी नीचे ही मारेगा ना, पानी टक्कर नीचे मारेगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, ये जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एग्जाम में एक ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कितना लेवल बढ़ेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आया, उसको धीरे धीरे कराऊंगा। तो इसमें ध्यान देना, ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ प्रेशर कौन सा लग रहा है मिस्टर भावे, यहाँ पर प्रेशर कौन सा लग रहा है, यहाँ अभी कौन सा प्रेशर लग रहा है, हाँ अरे भाई यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है अभी, अरे ये खाली है ना भाई, एटमॉस्फेरिक लग रहा है मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक लग रहा है, और ये पानी आ रहा है जी, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, इसको टक्कर मारेगा, ये इसको रोक नहीं पाएगा, इसमें एटमॉस्फेरिक लग रहा है जी, अरे इसमें एटमॉस्फेरिक तो लग रहा है ना, लेकिन भाई ये पानी का प्रेशर ज्यादा है ना यार, इसको धक्का मार देगा, ये पानी ये लेवल क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जैसे ऊपर आएगा तो यहाँ पर भी मार्किंग है जी, तो यहाँ पर मार्किंग है, तो ये जो मरकरी जो जितना ऊपर जाएगा जी, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला जी यहाँ जाएगा, और एक नया डिफरेंस बनेगा, मतलब ये डिफरेंस इज कॉल्ड गेज डिफरेंस, क्या बोलते हैं जी इसको, ये गेज डिफरेंस किस पे, किसके बीच का डिफरेंस है, किसके बीच के लेवल का डिफरेंस है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उनके बीच का डिफरेंस है, उनके लेवल के बीच का डिफरेंस है, समझे जी। तो ये होगा एक्स, इसका यूज किया जाएगा प्रेशर को मेजर करने के लिए, पी इक्वल्स टू रो जी एच से। इतनी बात समझ में आई भाई कि नहीं आई, YouTube मैनोमीटर वो YouTube जैसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, YouTube जैसा रहेगा, ट्यूब जैसा रहेगा, अरे YouTube जैसा रहेगा, YouTube जैसा रहेगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहेगा। और सुनो एक पूछता है सिंगल वर्टिकल एंड मैनोमीटर, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ध्यान देना, इधर देखो सुनो, ये सिंगल कॉलम वर्टिकल, सुनो सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर है, ये जरा देखना एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सुनो ये सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर है, अब यही ये जो वर्टिकल है ना, यही इंक्लाइन हो जाए थीटा डिग्री से यार, ये देखो ये इधर आ जाए तो इंक्लिनेशन है कि नहीं इसमें, अरे है कि नहीं, ये थीटा डिग्री इंक्लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कॉलम सॉरी सिंगल इंक्लाइन मैनोमीटर, अरे दो हो सकता है भाई, अभी पहले क्या था सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर, अभी इंक्लाइन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगल इंक्लाइन मैनोमीटर, ध्यान देना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो इंक्लाइन है ना उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो उसका फैक्टर पूछता है, वर्टिकल सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर से सिंगल इंक्लाइन मैनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो कितने टाइम ज्यादा होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कहाँ पर बता दूँ, यहीं पर बता देता हूँ, कहाँ पर बताऊँ, इंक्लाइन तुम अभी तक नींद को भगा नहीं पाए क्या यार, इंक्लाइन मैनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर से, कितने टाइम्स होती है एग्जाम में पूछता है, ज्यादा होती तो पता चल गया, ये होती है 1/sin θ, थीटा क्या चीज है जी, जो हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल है, 1/sin θ टाइम्स ज्यादा होती है सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर से, किसकी जी, सिंगल इंक्लाइन मैनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो 1/sin θ टाइम ज्यादा होती है सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर से, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सुन रहे हो जी कि नहीं सुन रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करता है, उसमें पीजोमीटर को अच्छे समझा, फ्री टू एटमॉस्फेयर रहता है, उसके बाद जो भी मैनोमीटर आएगा उसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहेगा, किसी को बिठा के नहीं डालना है, जिसका भी आप मेजर करेंगे प्रेशर मेजर करेंगे जो भी आपके पाइप में होगा उससे हायर डेंसिटी का हो, लो इसकी ये जो फ्लूइड है उसका वेपर प्रेशर कम हो और सर्फेस टेंशन ना के बराबर हो, ठीक है जी, ठीक है। पीजोमीटर के बारे में मैंने चर्चा कर लिया, यूट्यूब मैनोमीटर बता दिया, ये सिंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के बारे में मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो भी समझा दिया, अब हम चलते हैं कहाँ पर, डिफरेंशियल मैनोमीटर में। सो डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब कोई एक ही पाइप है उसके दो पॉइंट का प्रेशर मेजर करना, ठीक है जी, उसी को बोलेंगे अपन सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर, कहाँ गया यार। तो टू पीजोमीटर मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि एक पीजोमीटर यहीं पर एक ही पीजोमीटर लगाया था, एक पीजोमीटर, तो टू पीजोमीटर कहने का मतलब ये पाइप है, टू पीजोमीटर मतलब अरे दो पीजोमीटर लगा दो यार, दैट ये P1 और ये P2, टू पीजोमीटर। YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब अभी YouTube मैनोमीटर ऐसे लगाया था, अब YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये, इसको जोड़ दो, YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर हो जाएगा, यहाँ जुड़ा था क्या,
यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, माइक्रोमैनोमीटर भी होता है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए होता है इन्वर्टेड मैनोमीटर। इन्वर्टेड मैनोमीटर कुछ भी नहीं है, ये जो आपके पास है इसको उल्टा कर दो, दैट मीन्स ऐसा, ये इन्वर्टेड मैनोमीटर है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, गैस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, एग्जाम में आया हुआ है इन्वर्टेड मैनोमीटर। सो आपके पास ये इन्वर्टेड मैनोमीटर हो जाएगा, इन्वर्टेड मैनोमीटर, ये आपके पास है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है जी, ये सिंपली आपके पास है यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। कनेक्टेड होता है, ठीक है, दो पॉइंट में कनेक्टेड होता है, ऑब्वियसली बात है दो पॉइंट में कनेक्टेड होगा तभी तो दो पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस मेजर करेगा, दो पॉइंट चाहिए चाहिए उसको, या फिर सेम पाइप में दो जगह कनेक्टेड होगा या फिर अलग अलग दो पॉइंट में कनेक्टेड होगा, दो पॉइंट का प्रेशर चाहिए तभी दोनों पॉइंट का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर दो मतलब दो पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस की बात, तो दो पॉइंट में कनेक्टेड होना जरूरी है ना, ठीक है। सिंगल मैनोमीटर में सॉरी सिंपल मैनोमीटर मतलब एक पॉइंट का, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा मतलब नहीं है मतलब फ्री टू एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर प्रेशर जीरो, ठीक है जी। अब प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, उसमें हम धीरे इसके बाद चर्चा करेंगे। तो ये था आपके पास फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, जिसमें हम लोगों ने पहले बैरोमीटर को देखा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, मैनोमीटर को देखा जो कि गेज प्रेशर मेजर करता है, उसमें भी दो सब कैटेगरी हमने दिया, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर मतलब एक पॉइंट का प्रेशर मेजर, डिफरेंशियल मतलब दो पॉइंट का प्रेशर मेजर, वो एक ही पाइप का दो पॉइंट हो सकता है या फिर दो अलग अलग पॉइंट का, दो अलग अलग पाइप का प्रेशर हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मैनोमीटर आते हैं मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पीजोमीटर है, बार बार क्वेश्चन यहां पर से आता है, या सिंगल कॉलम मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, टू पीजोमीटर, इन्वर्टेड, तुम यार मोबाइल साफ कर रहे हो यार, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके पास मरकरी में सॉरी मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया, ये नहीं रहेगा तो उसको नौकरी मिलेगा क्या यार, नहीं मिलेगा, ये सब होना चाहिए उसके पास तभी तो नौकरी मिलेगा यहाँ यार, समझ में आ गया। के बाद बिलो ट्यूब बॉटम ट्यूब डायफ्राम एंड डेड बॉडी, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में यही पूछ लेगा कि डायफ्राम जो है वो कौन सा प्रेशर मेजर करता है, तो आप क्या बोलोगे जी, गेज प्रेशर मेजर करता है, ठीक है जी, इतना आप नोट कीजिए।